हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र के एस्ट्रो वार्ता चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की जो हमारी चर्चा होगी वो शुक्रदेव को लेकर के होगी कि शुक्रदेव जो हैं वो अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं 23 अक्टूबर 2020 को, उस दिन शुक्रवार ही होगा और इनका जो राशि परिवर्तन होगा प्रातः 10:44 पर होगा। लगभग 13.5 महीने के बाद शुक्र जो है वो अपनी नीच राशि कन्या में प्रवेश करने जा रहे हैं इस तारीख को, 23 अक्टूबर 2020 को प्रातः 10:44 पर, जैसा मैंने अभी कहा भी। तो मित्रों ये इनकी नीच की राशि है और कोई भी 9 ग्रह जो हैं जब अपनी खराब स्थिति में जाते हैं, चाहे वो नीच राशि में जाए या कुछ और खराब स्थिति में आए, तो जातकों को निश्चित रूप से उनका कोई शुभ प्रभाव तो देखने में नहीं आता है हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। लेकिन अगर ये चीज़ों का पहले से ही कुछ एहसास हो जाए कि भाई शुक्र की स्थिति खराब रहेगी 23 अक्टूबर 2020 से, क्योंकि वो नीच राशि में प्रवेश करेंगे और जब तक वो इस नीच राशि में रहेंगे तब तक भिन्न भिन्न राशियों के जातकों को वो किस किस क्षेत्र में क्या क्या दुष्प्रभाव दे सकते हैं, इसका अगर हमको पहले से एहसास हो जाए तो व्यक्ति सचेत हो जाता है, सोच समझ कर निर्णय लेता है। तो इसीलिए आज हम यही चर्चा आपसे करने आए हैं और आपको बताने आए हैं कि ये जो शुक्र कन्या राशि में जब इनका प्रवेश हो जाएगा अपनी नीच राशि में, वैसे तो इनकी ये मित्र राशि भी है लेकिन ये नीच की राशि भी है, तो आप 12 राशि के जातकों पर कब कब कैसा कैसा प्रभाव ये देंगे, उसी की चर्चा आज आपसे करेंगे, मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक। तो आइए आज हम अपने दर्शकों के साथ शुक्र ग्रह के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। और मित्रों शुक्र ग्रह के विषय में हम इसीलिए आपके साथ चर्चा कर रहे हैं क्योंकि दिनांक 23 अक्टूबर 2020 दिन शुक्रवार प्रातः 10:44 जैसा कि अभी हमने आपसे कहा भी है, पर अपनी शत्रु राशि सिंह से, अभी भी ये शत्रु राशि में ही है, सिंह राशि में, वहाँ से निकलेंगे ये और अपनी नीच राशि कन्या में प्रवेश करेंगे लगभग 13.5 महीने के बाद ऐसा होने जा रहा है, क्योंकि पिछले वर्ष ये 9 सितंबर को कन्या राशि में प्रवेश किए थे अपनी नीच राशि में, हालांकि कन्या राशि इनकी मित्र राशि है जैसा कि मैं अभी आपसे कह भी रहा था, साथ ही नीच राशि भी है इनकी। तो इस वर्ष ये अपनी नीच राशि में 16 नवंबर 2020 तक रहने वाले हैं लगभग 23 दिन। शुक्र ग्रह को सुख और वैभव, वाहन, स्त्री तथा लक्ष्मी जी का कारक ग्रह माना गया है। इसके अतिरिक्त इसको पौरुष शक्ति यानी वीर्य का भी कारक माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में अगर जातक की कुंडली में शुक्र की स्थिति खराब या कमज़ोर, जितनी ज़्यादा खराब या जितनी ज़्यादा कमज़ोर होगी जातक अपने जीवन में सुख वैभव आदि से उतना ही ज़्यादा वंचित रहेगा। यानी कुंडली में शुक्र की स्थिति जितनी मजबूत होगी उतना ही व्यक्ति अपने जीवन में सुख और वैभव भवन वाहन आदि का सुख भोगता है तथा स्त्री सुख भी भोगता है। शुक्र यदि अधिक खराब स्थिति में हो जाता है आप कुंडली में तो किस प्रकार के रोग देता है, जैसे नसों से संबंधित, त्वचा संबंधित तथा पौरुष शक्ति क्षीण करता है। अब जैसा कि हमने आपको बताया है कि शुक्र 23 अक्टूबर को अपनी नीच राशि कन्या में प्रवेश करने जा रहे हैं 23 दिनों के लिए, तो यह स्थिति शुक्र की बहुत कमज़ोर होगी गोचर में, जिसके प्रभाव भी 12 राशियों के जातकों पर अलग अलग रूप में देखने में आएंगे और जिसकी चर्चा हम आपके साथ कर रहे हैं। अब 12 राशियों के जातकों के लेकर के कौन सी राशि के जातकों को इस अवधि में शुक्र क्या देने के लिए जा रहे हैं और उनके लिए जो दुष्प्रभाव उनके द्वारा दिए जाएंगे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग राशि के जातकों को, क्या उपाय ऐसे करें जो उनसे हमें छुटकारा मिल सके, इसकी भी चर्चा करेंगे। तो मित्रों जिन उपायों के करने पर शुक्र आपके प्रति शुभ होंगे यानी कि कम दुष्प्रभाव देंगे और प्रसन्न भी होंगे आपसे और आप भी
शुक्र के द्वारा मिलने वाले दुष्प्रभावों से बच पाएंगे। तो अब आपको एक एक करके सभी राशियों के जातकों को इस अवधि में शुक्र से मिलने वाले दुष्प्रभावों के विषय में बताते हैं। सबसे पहले हम आरंभ करते हैं मेष राशि से। तो बताना चाहेंगे कि इस अवधि में आपका स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा, आपको अपने स्वास्थ्य का अधिक ध्यान रखना होगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी प्रतिकूल परिणामों की प्राप्ति आपको हो सकती है। वैवाहिक संबंधों में समस्या बनेगी और धन की हानि हो सकती है। वृषभ राशि, आपकी अपनी व्यक्ति का सोच निम्न स्तर की होगी। छात्रों को उनकी शिक्षा संबंधित प्रतिकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। संतान की ओर से आपका मन परेशान रहेगा। शत्रु आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे। कर्जा चुकाने में आएंगी आपको समस्याएं। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी परिणाम होंगे आपके प्रतिकूल। मिथुन राशि, लंबी दूरी की यात्राएं आपके लिए सुखद नहीं रहेंगी, सुखों से वंचित रहेंगे और किसी छोटे भवन में भी आप शिफ्ट आपको होना पड़ सकता है। यानी कि जहां वर्तमान में आप रह रहे हैं वो बड़ा भवन हो और वहां से आपको किसी छोटे भवन में शिफ्ट होना पड़ जाए, ऐसी भी स्थिति बन सकती है। वाहन आदि के सुख का भी अभाव आपको बनेगा इस अवधि में। छात्रों की शिक्षा भी प्रभावित हो सकती है तथा संतान कष्ट की पूरी पूरी संभावना बनी हुई है। महत्वपूर्ण निर्णय इस अवधि में अगर ना लें तो बहुत अच्छा। कर्क राशि, आप कर्क राशि के जातकों में पराक्रम की कमी रहेगी, आलसी स्वभाव आपका बना रहेगा इस अवधि में। छोटी दूरी की यात्राओं से आपको बचना होगा। खेल कूद से संबंधित व्यक्तियों को भी सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं हो पाएंगे। सुखों से आप वंचित रहेंगे। वाहन का लाभ भी आप उठा नहीं पाएंगे पूर्णतया। आय में कमी रहेगी आपकी या फिर बाधाएं उत्पन्न होंगी। सिंह राशि, सिंह राशि के जातकों को उनके व्यवसाय में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हालात अनुकूल नहीं होंगे आपके। छोटी दूरी की यात्राएं लाभकारी सिद्ध नहीं होंगी। पराक्रम में आपके कमी महसूस करेंगे। धन की हानि रहेगी। परिवार के सदस्यों के साथ मतभेद पैदा होंगे इस अवधि में। आपकी वाणी भी कठोर रहेगी। किसी के लिए भी कटु वचनों का आप प्रयोग ना करें। खेल कूद से संबंधित व्यक्तियों के लिए भी यह समय अनुकूल ना होने से उनको अपनी सफलता से वंचित रहना पड़ सकता है। कन्या राशि, आप कन्या राशि के जातकों को बताना चाहते हैं कि कोई भी कार्य अपने विभाग में या फिर व्यापार में गलत तरीकों का प्रयोग करके उन कार्यों को पूरे करने की कोशिश ना करें, अन्यथा आपको उसके लिए नीचा देखना पड़ सकता है। अपने विभाग में अपने सहयोगियों के बीच किसी भी व्यक्ति से कर्ज के रूप में पैसा आप ना पकड़ें, अन्यथा उस स्थिति में भी आप अपमानित हो सकते हैं, आपका अपमान हो सकता है। धन की हानि तो आपको रहेगी इस अवधि में। परिवार के साथ भी संबंधों में आपके कमी पैदा होगी। भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पाएगा। पति पत्नी के बीच भी संबंधों में समस्या बनेगी। तुला राशि, धन का व्यय अनावश्यक तरीकों से होगा और अनचाही जगहों पर होगा। स्वास्थ्य में कमी के कारण अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ सकता है। आप इस अवधि में अपने सामने वाले व्यक्ति को अपनी बात समझाने में सफल नहीं हो पाएंगे। आपके बुजुर्गों की संपत्ति में जो हिस्सा मिलना चाहिए था उस संपत्ति में भी या तो विलंब होगा या फिर उससे आप वंचित भी रह सकते हैं। पदोन्नति में भी आपके बाधा उत्पन्न होगी। वृश्चिक राशि, वैवाहिक संबंधों में आपके कमी पैदा होगी। आय या तो बाधित होगी या उसमें कमी बनेगी। मित्रों से धोखा मिल सकता है इस अवधि में। आप अपने मित्रों पर भरोसा ना करें। बड़े भाई बहनों का भी आपको सहयोग इस अवधि में प्राप्त नहीं होगा। लंबी दूरी की यात्राएं आपके लिए लाभकारी सिद्ध नहीं होंगी। आपके अपने स्वास्थ्य में समस्या बनने के कारण आपको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ सकता है। कारोबार भी आपका प्रभावित रहेगा इस अवधि में। धनुराशि, धनुराशि के जातकों को अपने कार्यक्षेत्र में रहना होगा। कार्यक्षेत्र यानी कि अत्यधिक सावधान रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस अवधि में आपको अपने रोजगार या व्यापार में बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यह समय आपके अपने रोजगार या व्यापार के दृष्टिकोण से बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। हम आपको डरा नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, क्योंकि ग्रहों की स्थिति ही कुछ ऐसी है, लेकिन आप घबराएं नहीं, आपको घबराना नहीं है। बस जो उपाय हम अंत में आपको बताएंगे, बस उन उपायों को करिएगा। ईश्वर की कृपा से सब ठीक रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित समस्या भी बनेगी। शत्रु भी आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे। मकर राशि, इस अवधि में आपके भाग्य में कमी के कारण सभी कार्यों में व्यवधान उत्पन्न होंगे। आपके महत्वपूर्ण कार्यों में भी देरी होने के कारण समय पर आपके कार्य पूरे नहीं हो पाएंगे। इसी कारण आपको अपने रोजगार या फिर व्यापार में भी काफ़ी समस्याओं का सामना
करना पड़ेगा। यह समय किसी भी तरह से आपके लिए अनुकूल नहीं कहा जा सकता। छात्रों को भी उनकी शिक्षा को लेकर परेशानियां रहेंगी, संतान की ओर से चिंता बनेगी। कुंभ राशि, शुक्र आपके भाग्य के स्वामी हैं। देखिए, और जब भाग्य के स्वामी की स्थिति ही इतनी कमजोर हो जाए तो जातक को तो अपने जीवन में भाग्य का साथ कहाँ मिल पाएगा। सफलता हाथ आते आते रह जाती है, सुखों का अभाव बना रहेगा, वाहन आदि का लाभ भी प्राप्त होने में आपको समस्याएं रहेंगी, बाधाएं उत्पन्न होंगी। मीन राशि, वैवाहिक संबंधों में आपके कमी बनेगी, कारोबार भी प्रभावित रहेगा। आपको अपने फैक्ट्री ऑफिस यानी कार्य क्षेत्र में भी कहीं किसी कार्य को लेकर के या किसी बात को लेकर के नीचा देखना पड़ सकता है। किसी ना किसी बात को लेकर आपका अपमान भी हो सकता है। अपने बुजुर्गों की संपत्ति में से मिलने वाले हिस्से से भी या तो आप वंचित रह सकते हैं या इस अवधि में आप हो सकता है कि वो लंबित हो जाए, जो मिल रहा हो किसी कारण से ना मिल पाए। आपके पराक्रम में आपको कमी महसूस होगी। छोटी दूरी की यात्राएं आपके लिए लाभकारी सिद्ध नहीं होंगी। ये था आप मीन राशि के जातक के विषय में। तो देखिए, हमने जो अभी आपको बताया मेष से लेकर मीन राशि तक सभी जातकों के विषय में कहाँ कहाँ शुक्र के क्या क्या दुष्प्रभाव देखने में आएंगे इस अवधि में, इसकी चर्चा की थी। लेकिन हम सभी 12 राशियों के जो जातक हैं सभी को इस बात के लिए कहना चाहते हैं कि आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी। बस एक कार्य करें, जो सरल और आसान उपाय हम बता रहे हैं अब, वो ध्यानपूर्वक सुन लीजिए और उन उपायों को करिएगा। निश्चित रूप से आपकी समस्याओं का समाधान होगा। कौन से उपाय हैं जो आपने करने हैं वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, एक तो माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें, इसमें कोई बुराई नहीं। पूजा माँ लक्ष्मी जी की भी हो रही है, शुक्र का उपाय भी हो जाएगा। और शुक्रवार का व्रत रखें तथा इस दिन खटाई ना खाएं, ये करना है एक तो। दूसरा उपाय जो है, स्त्री का सम्मान करें और पत्नी को अपनी खुश रखने की कोशिश करें। पराई स्त्री से संबंध बिल्कुल ना बनाएं, बिल्कुल। अगर ऐसा करते हैं तो जो हमने अभी दुष्प्रभावों की बात की है अलग अलग राशि के जातकों के विषय में, वो दुष्प्रभावों में बढ़ोतरी ही होगी। ये आपको ध्यान रखना है इस अवधि में। पराई स्त्री से संबंध बिल्कुल ना रखें, दूर रहें। सफ़ेद वस्त्र दान करें शुक्रवार के दिन, और प्रत्येक शुक्रवार को गाय को आपने क्या करना है, अपने हाथों से 2 या 4 पूरियों पर खीर रख दें और खीर रख करके अपने हाथों से गौ माता को खिलाएं। अपने भोजन का थोड़ा हिस्सा पहले ही कौए या कुत्ते को खिलाएं, और स्वयं को या अपने घर को बिल्कुल साफ सुथरा रखें इस अवधि में। परफ्यूम या इत्र का भी प्रयोग करें जितना कर सकते हैं, और लक्ष्मी जी के जो मंत्रों का आप जाप करें वो इस फटिक की माला से करें। और जाप क्या होगा वो हम आपको बता रहे हैं, किस मंत्र का। ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये इस मंत्र का आप जाप कर लें एक माला प्रतिदिन। जो हमने कहा था माँ लक्ष्मी जी की आराधना करने के लिए, वो इसी मंत्र से करें आप। और एक इस मंत्र की प्रतिदिन एक माला कर लें 108 बार। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, ये मंत्र है, एक माला इसकी, एक माँ लक्ष्मी जी के मंत्र की। बहुत सरल सरल उपाय हैं। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते। और कुछ उपाय तो ऐसे हैं जो सिर्फ शुक्रवार के ही दिन करने हैं। माँ लक्ष्मी जी की पूजा है जो आपने नित प्रतिदिन करनी है, और ये मंत्र का जाप ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः का एक मंत्र ये है। तो आप ये उपाय करें तो निश्चित रूप से आपको दुष्प्रभाव जो प्रभाव हैं शुक्र के, उनसे छुटकारा मिलेगा। तो मित्रों, ये था शुक्र की नीच राशि में प्रवेश के कारण जो दुष्प्रभावों की चर्चा थी अलग अलग जाति के अलग अलग राशि के जातकों पर, उसकी डिटेल में चर्चा की थी आपसे और उपायों के साथ की थी। आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं ताकि
जो भी आने वाले दिनों में हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी का समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।